हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग जायसवाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो रात के 2 बजने वाले हैं, 1:47 हो रहा है। सुनसान और शांत एरिया है, इसलिए आसान है आपसे बात करना और आपके लिए कुछ कर पाना। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 24 तक हम लोग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, उसके लेक्चर्स भी अपलोड है ऑलरेडी, आप लोगों ने देखा होगा। और आप लोग नोट्स बनाते चलिए क्योंकि सिलेबस कोलॉजी का बहुत लंबा है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज सेक्शन नंबर 5 की बात करेंगे और चैप्टर नंबर 25 बात करने जा रहे हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन आई, हमारे आंखों पे जो भी दवाएं काम करती हैं। फार्माकोलॉजी हम लोग क्या पढ़ते हैं, दवाओं के बारे में पढ़ते हैं, मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं, क्या काम करती हैं, क्या उनका एक्शन होता है, क्या मोड ऑफ एक्शन होता है। तो जो दवाएं हमारी आंखों पे काम करती हैं उन्हें बोलते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन द आई। तो आंखों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, हमारा है चैप्टर नंबर 25 ड्रग एक्टिंग ऑन आई। तो इस पर कुछ वर्ड्स आएंगे जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा, लेकिन इस पर सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो आँख होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपको रफली एक मैं आपको लिंक दूंगा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उस लिंक को ओपन करिए तो आपको आई का स्ट्रक्चर समझ, क्योंकि आई का स्ट्रक्चर जब तक आप नहीं समझेंगे आपको इसके ड्रग के बारे में आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आई के स्ट्रक्चर में अगर आपको याद होगा तो 3 लेयर होती है, स्क्लेरा, कॉर्निया, रेटिना, है ना। रेटिना जो होती है वो आगे की जो होती है वो रॉड कॉर्न सेल से मिलकर बनी होती हैं। आई के आगे जो होता है वो कॉर्निया होता है, बीच में वहाँ पे एक्वस चैम्बर, यूट्रस चैम्बर ये होते हैं, ठीक है, उसमें लिक्विड भरे होते हैं और उन्हीं के बैलेंस जब बिगड़ जाता है तो ग्लूकोमा हो जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सी बीमारियाँ होती हैं तो हम इन सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सबको डिस्कस करने से देखिए इसमें नोट्स दिया है, आयरिस क्या है, लेंस क्या है, है ना। तो इन सबको बहुत डिटेल आपको मैं आपको उस लेक्चर में जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको आप देखिए, वहाँ से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और नोट्स अपने हिसाब से उसको आप बना लीजिए। हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ मुद्दों को डिस्कस करेंगे आपके सामने। मैं एक मेरा ये हैंड रिटन एक शॉर्ट नोट है, इसको देखिएगा, स्क्रीन शॉट लीजिएगा और इसको कॉपी में बना लीजिएगा। देखिए स्ट्रक्चर समझते हैं, मैं आपको कुछ पत्ते बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। हमारी जो आँख होती है तो आँख में जो आप देखते हैं कि ये आपको जो पूरी आँख होती है जो आपको कलर दिखता है साइड से सफ़ेद रंग का, ये आयरिस होता है। और बीच में जो आँख की प्यूपिल होती है और ये प्यूपिल जो है और इसके जो बीचों बीच होता है छोटा सा पार्ट वो लेंस होता है। तो पहले क्लियर हो जाएगी आयरिस क्या है, प्यूपिल क्या है और लेंस क्या है। देखिए हमें पता है कि हमारी आँख कभी सिकुड़ जाती है और कभी हमारी आँख फैल जाती है। तो पुतलियाँ हमारी जो होती हैं, जो लेंसेज होते हैं, वो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको एकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं। जैसे आप भी किसी DSLR कैमरा से फोटो खींचिए तो दूर की और पास चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए आप उसके फोकस को सेट करते हैं, उसी तरह किसी भी चीज़ को हम आसानी से बहुत अच्छे से देख पाएँ, चाहे वो चीज़ें बहुत दूर की हों चाहे वो चीज़ें बहुत पास की हों, उसके लिए हमारी आँखों में जो होते हैं पुतलियाँ, बेसिकली लेंस और आयरिस, ये इनकी जो लेंस और प्यूपिल, इनकी जो मसल्स हैं इनके बीच क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसके द्वारा हमारी आँखों में फोकस एडजस्ट होता है, जिसे हम एकोमोडेशन बोलते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई बहुत पास की चीज़ आप देखते हैं तो आपकी पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं, आप बहुत दूर की चीज़ देखते हैं तो आपकी पुतलियाँ फैल जाती हैं, ये एकोमोडेशन है। तो इसी प्रोसेस को इंग्लिश में वर्ड दिया जाता है माइड्रियासिस और मायोसिस। तो माइड्रियासिस और मायोसिस हमारी बॉडी में बेसिकली इन्हीं के कारण होता है, आयरिस और प्यूपिल और लेंस के कारण, ठीक है। तो अब प्यूपिल और लेंस के कारण ही होता है। अब प्यूपिल और लेंस कैसे डिपेंड करते हैं, और इसके साथ साथ इन पे सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो भी कंट्रोल करता है मायोसिस और माइड्रियासिस को। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग फ्रेंड्स कि जानेंगे कि मायोसिस क्या है, माइड्रियासिस क्या है। तो नीचे देखिए, सबसे पहले माइड्रियासिस का मतलब होता है कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल। देखिए एक चीज़ समझिए, ये जो आपको गोला गोला पार्ट दिख रहा है बड़ा सा, ये प्यूपिल है और बीच में छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है वो लेंस है। तो एक बात बहुत सीधी है कि जब प्यूपिल हमारा फैलेगा, डायलेशन मतलब फैलना, जब प्यूपिल हमारा फैलेगा तो लेंस उस समय सिकुड़ेगा। यानी देखो लेंस छोटा है बीच में और प्यूपिल हमारा बड़ा है। और दूसरे केस में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, कि जब प्यूपिल सिकुड़ेगा तो लेंस, जो देखो बीच वाला लेंस क्या होगा, देखो दोनों डिफरेंस देखिए आप, यहाँ पर लेंस छोटा है और यहाँ पर लेंस क्या है, बड़ा है। तो क्या दिख रहा है कि जब डायलेशन ऑफ प्यूपिल होगा तो हमारा लेंस कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल होगा तो लेंस हमारा क्या करेगा, डायलेट करेगा, एक दूसरे के अपोजिट। तो डायलेशन ऑफ प्यूपिल ये कहलाता है माइड्रियासिस, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल ये कहलाता है मायोसिस। हम इसको उल्टे भाषा में भी कह सकते हैं कि माइड्रियासिस का मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंस,
ठीक है ना। डायलेशन ऑफ पिपिल को उल्टा क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लेंस। तो माइड्रेसिस मतलब होता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लेंस, और मिसेस का मतलब क्या होता है, डायलेशन ऑफ लेंस, यानी जब कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपिल होगा तो इसका उल्टा क्या होगा, डायलेशन ऑफ लेंस। अगर आप इस बात को समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा है, इसको 2-3 बार समझिएगा, वीडियो बना के देखिएगा। अब देखता हूँ कि ये दोनों माइड्रियासिस और मायोसिस प्रोसेस कैसे डिपेंड है, किन किन मसल पर काम करते। तो हमको पता है कि जो हमारा लेंस है और प्यूपिल है, वो प्यूपिल बेसिकली दो तरह के मसल से मिलकर बना है। एक मसल आपको ये दिख रहा है जो पूरी तरह से गोला गोला है, एक्चुअली उल्टा हो गया है, जो ये गोला गोला है दिस इज द सर्कुलर मसल, और ये जो लंबा लंबा है ये हमारा क्या है, रेडियल मसल। तो प्यूपिल हमारे दो तरह के मसल से मिलकर बने होते हैं, रेडियल मसल और सर्कुलर मसल। तो रेडियल मसल और सर्कुलर मसल की अगर हम बात करें तो रेडियल मसल जो है बेसिकली वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है, और जो सर्कुलर मसल होता है वो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा होगा तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही एड्रेनलिन रिलीज होगा तो क्या होगा, प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से एसिटाइलकोलाइन रिलीज होगा तो उस समय सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, सिंपैथेटिक से जुड़ा है रेडियल मसल, तो जब सिंपैथेटिक से रिलीज होगा एड्रेनलिन तो रेडियल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब पैरासिंपैथेटिक से क्या निकलेगा, एसिटाइलकोलाइन, तो किसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, सर्कुलर मसल का। अब जब रेडियल मसल का कॉन्स्ट्रक्शन होता है तो उस केस में माइड्रियासिस होता है, यानी क्या, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, और जब सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रक्शन होता है तो उस केस में मायोसिस होता है, यानी क्या होता है, कॉन्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल। ये आपको चीज़ों को समझनी है, ठीक है। बस यही झाम ताम पूरा मैकेनिज्म है माइड्रियासिस का और मायोसिस का। तो एक बार रफली हम समझ लेते हैं कि हमारे आँख में, आयरिस में सर्कुलर मसल है, रेडियल मसल है, रेडियल मसल जुड़ा है एड्रेनलिन से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, वो जब रिलीज होता है तो आँखों में माइड्रियासिस होता है, और हमारे बॉडी आँखों में, आयरिस में होता है सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल जुड़ा होता है पैरासिंपैथेटिक से, जब पैरासिंपैथेटिक से एसिटाइलकोलाइन रिलीज होता है तो हमारी आँखों में मियोसिस होता है। माइड्रियासिस का मतलब प्यूपिल का डायलेशन होता है, और मियोसिस का मतलब प्यूपिल का कॉन्ट्रिक्शन होता है। बस सीधी सी भाषा में समझिए। अब चैप्टर हमें क्या पढ़ना है, देखिए इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि पहली चीज़ की माइड्रियासिस क्या है। तो अब माइड्रियासिस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसका डेफिनेशन आपको देना है। माइड्रियासिस मतलब क्या है, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। अब मैंने आपको बताया डायलेशन ऑफ प्यूपिल कब होता है माइड्रियासिस, जब हमारा सिंपैथेटिक, ठीक है ना, यानी कि देखो मेरी बात ध्यान समझिएगा, दो तरीके से जो ड्रग हैं जो माइड्रियासिस कर सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि हमारा रेडियल मसल जो है, रेडियल मसल जो है वो किससे, उस पर क्या रिलीज हो, सिंपैथेटिक यानी कि एड्रेनलिन हो, या दूसरा तरीका ये है कि सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट ना हो। मेरी बात समझिएगा, माइड्रियासिस होने के दो चार तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि या तो रेडियल मसल हमारा जो है, देखिए ये वाला जो रेडियल मसल पहला है, ये रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो और सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट ना हो। तो रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए हम चाहेंगे कि एड्रेनलिन निकले, तो ये कैसा होगा, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग, यानी जो एड्रेनलिन की तरह काम करेंगे। तो हमको जब भी माइड्रियासिस करानी है तो हम दो तरह की दवाएं दे सकते हैं, एक सिंपैथोमिमेटिक देंगे। सिंपैथोमिमेटिक क्या करेंगे, ये हमारे बॉडी में एड्रेनलिन की तरह काम करेंगे और हमारे रेडियल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे माइड्रियासिस होगा। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि सर्कुलर मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट होने से रोक दें। और सर्कुलर मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट होने से कैसे रोकेंगे, कि एसिटाइलकोलाइन को हम बाइंड ना करने दें, और एसिटाइलकोलाइन को ना बाइंड करने के लिए हमें कौन सी ड्रग देनी होगी, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एग्जैक्टली, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो बस यही करना है। तो माइड्रियासिस के लिए दो कैटेगरी ड्रग होती है, एक सिंपैथोमिमेटिक यानी एडिनर्जिक कैटेगरी की सारी ड्रग। तो आपको एडिनर्जिक वाली सारी ड्रग ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं, वही आपको यहाँ पे लिखना है, उसी को एक्सप्लेन। और दूसरा होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, उन सभी, अब यहाँ पे कुछ नहीं, उन ड्रग के बाद जितना आपने वहाँ पढ़ा है, मोड ऑफ एक्शन सारा कुछ, फार्माकोलॉजिकल एक्शन सब कुछ यहीं पे आप लाके रख दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर दूसरी बात करते हैं, मायोसिस। मायोसिस क्या होता है फ्रेंड, दिस इज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। जब प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो उस केस को क्या बोलते हैं, मायोसिस। तो अब मायोसिस मैंने क्या बताया था कि मायोसिस कब होगा, जब हमारा सर्कुलर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। देखो, सर्कुलर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करे और रेडियल मसल ना कॉन्स्ट्रिक्ट करे, यानी वो डायलेट करे, तभी हमारे केस में मायोसिस हो सकता है। तो अब सर्कुलर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करने का तरीका क्या है, कि वो किससे जुड़ा है, वो जुड़ा है पैरासिंपैथेटिक से। तो पैरासिंपैथेटिक मतलब एसिटाइलकोलाइन, तो ऐसी दवाएं हम देंगे जो एसिटाइलकोलाइन की तरह हो, तो क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगी, यानी हम कौन सी ड्रग देंगे, कोलिनर्जिक ड्रग देंगे। और दूसरा हम चाहेंगे कि हमारा जो
रेडियल मसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट ना हो, तो उसको क्या करेंगे हम एड्रेनलिन पहुंचने से रोकेंगे, और एड्रेनलिन जो पहुंचने से रोकेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सिंपैथोमिमेटिक ब्लॉकिंग एजेंट या एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। तो यानी इसमें हम दो कैटेगरी ड्रग पढ़ेंगे, क्या कोलिनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक मायोसिस के लिए। उसमें क्या पढ़े थे एड्रेनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक, और इन चारों कैटेगरी के ड्रग को डिटेल को ऑलरेडी पहले के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर डिटेल आप वहाँ से लेकर इसको लिख सकते हैं, बस समझने के लिए आपकी ज़रूरी था। अब एक बीमारी आती है ग्लूकोमा, ठीक है, ये हमारा होगा ड्रग, फिर ड्रग फॉर मायोसिस एंड माइड्रियासिस, कौन कौन ड्रग होती है आपको पता चल गया, फिर रिपीट कर दूं, माइड्रियासिस के लिए एडिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक, और मायोसिस के लिए कोलिनर्जिक और एंटी एडिनर्जिक। अब एक ग्लूकोमा बीमारी क्या होती है, इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, ग्लूकोमा क्या होती है, मैंने आपको बताया कि अगर आपको आँख का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस पर एक एक्वस चैम्बर है विट्रस चैम्बर है, दोनों में अपना अलग लिक्विड भरा है, तो जब वो लिक्विड का प्रेशर मेंटेन रहता है तो हमारा आई बॉल जो आँख है उसकी साइज सही रहती है, लेकिन जैसे ही लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो आँख सूज जाती है, बाहर निकल जाती है, ये ग्लूकोमा है, इसी बीमारी को ग्लूकोमा करते हैं। तो अब ग्लूकोमा को क्या करते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम कौन कौन से ड्रग देते हैं, तो कुछ हैं बीटा ब्लॉकर हैं जैसे कि टीमोलॉल, बेटॉक्सोलॉल, लेवेम्बुलॉल, मायोटिक्स ड्रग हैं पिलोकार्पिन, फाइसोस्टेगमिन, ये सब ड्रग का नाम है, कोई एग्जांपल याद करने। अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की बात करें तो डाइपिवेफ्रिन, एप्राकोलोडीन, ब्रिमोनिडीन, ठीक है, अपला है सी ए इनहिबिटर यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की बात करें तो एस्ट्राजोलामाइड, लास्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें तो लैंडोप्रोस्ट, ठीक है। अब ये सारे ड्रग है फ्रेंड्स, आप ये सब ऑलरेडी पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, एंटी एनर्जी सब पढ़े हो, कुछ नया नहीं है, तो इन सब ड्रग के बारे में थोड़ा थोड़ा से लेके आप इनके बारे में जब ये स्क्रीन शॉट लीजिए यहाँ से और नोट्स बना के लिख लीजिए, कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, चैप्टर जो मैं आपको आसान भाषा में समझा चुका हूँ कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्या हमारा मायोसिस है, क्या हमारा माइड्रियासिस है और क्या हमारा ग्लूकोमा है, और उसमें हम कोई सी ड्रग दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, उसका मैकेनिज्म भी हम लोग आसानी समझ गए, तो इसको आप लोग नोट्स बना के लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग होने वाली है थोड़ी देर में, तो आप लोग पढ़िए, आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।